ईश्वर साक्ष सत्यते की कायदा द्वारे स्थापित झाले आहे। असा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता और एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तरेचे लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाचाही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। बहुत सारे काम अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा तो कहीं खिचन खाची हो जाता, थोड़ा सा तो हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा कर लेते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत विश्वास है कि जो आज मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मेरे कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया, पार्टी ने सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं सरलता से ये काम करके तक पहुँचा, मुझे मन में बहुत संतोष है। तो जो महिलाओं को जो अवसर में दिया, अवसर के कारण हम यहाँ तक, आप अवसर दीपक ठाकुर जी को जाता है, यहाँ की जनता को जाता है। हमने बहुत अथक प्रयास किया था कि ये ब्रिज नीचे उतारना चाहिए, जिसके कारण महानगर पालिका ने इस बात को माना और जैसा मैंने उनको बताया था उस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की। चला रहे हैं और फ्री डायलिसिस करते हैं, करीब करीब 10,000 से भी अधिक डायलिसिस फ्री डायलिसिस होता है, लोगों से एक भी रुपया दिया नहीं जाता, लोगों को चाय पानी और पूरा डायलिसिस में जितना सुई है, इंजेक्शन है, दवा है, जो कुछ लगता है सब कुछ संस्था देती है। इसके साथ साथ मेडिकल के साथ साथ हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का भी काम करते हैं।
इसी वजह से जीता था क्योंकि सबके दिल में रहती है। कोई भी मुझको क्या डर है मैया, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। गुड मॉर्निंग नमस्ते। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली और ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। और जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ चलें और उस संस्कृति के साथ ये जिए और दूसरे को भी ये सिखाएं कि हमारा कल्चर क्या है। हमको जो साथ दिया है, आपने समर्थन दिया है 2014 में, उसके माध्यम से हमने 25 साल से जो काम रुके थे उसको करने की कोशिश की और काम करके दिखाया। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगी कि गोरेगांव का सावरकर ब्रिज, उस काम को हमने पूरा करने की कोशिश की। दूसरा काम आप देखेंगे तो गोरेगांव का राम मंदिर का ब्रिज, जिसका नाम श्रीमती मृणाल गोरे उद्यान नाम रखा गया, वो भी काम पिछले अनेक वर्षों से बंद था और उसके साथ में उसका एक्सपांसन। तीसरा काम टोपी वाला मार्केट का, उनको अच्छे ढंग से उनको सम्मान के साथ उनका शिफ्टिंग करेंगे, उनको टोपी वाला मार्केट जो मार्केट है उसको सही ढंग से मार्केट बना के देंगे और 17 माले की बिल्डिंग आएगी जिसके अंदर आप हिंदी गुजराती मराठी सभी प्रकार का ड्रामा से देख सकते हैं। ऐसे इस तरह से वहाँ पे नाट्यग्रह आया। गोरेगांव ईस्ट में देखेंगे तो जो कैटल मार्केट का विषय, जो ईस्ट के लोग हैं उनको पता है कि ईस्ट के अंदर कितनी बड़ी ट्रैफिक की समस्या है और आज वहां पर वो कैटल मार्केट BST को हैंडओवर हो गया है। आने वाले समय में वहां बस डिपो बनेगा, बस सब जाके अंदर खड़ी रहेगी और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता होगा। ये बहुत पहले 30 साल से भी ये पुराना काम था जो कि गोरेगांव में नहीं हुआ, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट काम था। और उसी के साथ कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी वो बिछाई थी, लेकिन आजादी के 70-72 साल के बाद चर्च गेट से लेके दहिसर तक एक भी नया स्टेशन नहीं बना था, लेकिन हम लोगों ने आने के बाद गोरेगांव और ओशिवरा के बीच में नया स्टेशन राम मंदिर बनाया, उसका नाम राम मंदिर स्टेशन दिया। गोरेगांव से लेके जोगेश्वरी के बीच में कोई भी स्टेशन नहीं था, लेकिन वो काम हमने पूरा किया। 20 साल में नगर सेवक थी तब, मैं जब ट्रेन से सफर करती थी तो मुझे हार्बर लाइन के लिए मुझे बांद्रा जाना पड़ता था,
विक्ट्री के लिए या तो मुझे अंधेरी उतरना पड़ता था, लेकिन आज वो हार्बर लाइन हम सभी के, हमारी टीम के प्रयत्नों से, हमारे नगर सेवक के प्रयत्नों से और वो काम पूरा हुआ। आज हमारे नगर सेवक भी हार्बर लाइन से सफर करते हैं। दोस्तों, ऐसे अनेक अनेक काम हमने काम करने की कोशिश की है। उसके साथ में आप बताऊं मैं कि बांगुर नगर का जो एक बहुत बड़ा सीआरजेड का मामला था, सीआरजेड का भी मामला आज क्लियर हो गया है। भारत ये रहना चाहिए। कि ये जो गोरेगांव ब्रिज आप देख रहे हैं, मृणालताई गोरे उद्यानपुर, ये काम पिछले अनेक वर्षों से बंद था। जब मैं 2014 में चुनकर आई, सबसे बातचीत की, सबसे मीटिंग करी, लोगों को सम्मान के साथ उनको शिफ्टिंग दिया गया, जिनके घर थे, जिनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको दिया गया और ब्रिज का काम 1.5 साल के अंदर हमने पूरा किया। ये शहीद क्रीड़ांगन ग्राउंड है। ऐसे अनेक गार्डन बनाए हैं हमने, तो उस समय हमने ये शहीद जवान के नाम से ये बनाया था। उसमें अपने पुलिस जवान और सेना के एक जवान की मृत्यु हुई थी, तो हमने ये गार्डन उनके नाम से बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये जॉगिंग ट्रैक है, जहाँ पर महिलाएँ, बच्चे, हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ इस जॉगिंग ट्रैक पर सुबह शाम चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं।